सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र में बढ़ोतरी करने का निर्णय लगभग ले लिया। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर इस निर्णय के क्या लाभ हो सकते हैं और अभी तक ये ना होने की वजह से क्या समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ रही थी। विमला जी, ये निर्णय लगभग हो चुका है, कैबिनेट प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने, कैसे इसको देखते हैं आप, महिलाओं के लिए कितना निर्णय जो है कारगर साबित होगा? देखिए, ये बहुत कारगर साबित होगा क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 18 साल बहुत परिपक्व उम्र नहीं होती है, तो परिपक्वता तो 21 साल में ही आएगी। 18 साल अभी बच्चे लड़की जो है बचपन की दहलीज पे ही होती है, तो अगर 18 साल में उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद बच्चे हो जाते हैं उसको, तो वो उसका शरीर उस बात के लिए अलाउ नहीं करता है, शरीर कमज़ोर रह जाता है, और जब शरीर कमज़ोर रह जाए बच्चे का तो आगे की दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। तो एक तो ये है कि दूसरी बात है, गृहस्थी का बोझ उठाने में सक्षम नहीं होती है लड़की जो है, वो 18 साल की उम्र बहुत अच्छी, बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, छोटी उम्र होती है। 21 साल में उसको 3 साल 4 साल और मिल जाते हैं तो उसमें परिपक्वता आ जाएगी और वो अच्छे से अपनी गृहस्थी को भी संभालेगी, और सबसे बड़ी बात जो है, आगे की पीढ़ी जो आएगी, जो बच्चे उसके होंगे, वो ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा उनको सुविधाएं जो हैं वो अपनी तरफ से दे पाएगी, उनको अच्छे से लालन पालन उनका कर पाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल करने को लेकर यूपी सरकार में मंत्री नीलिमा कटियार से खास बातचीत की जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने। केंद्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, अब महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, 18 तारीख से 21 साल कर दिया गया है। 18 साल से 21 साल करने का फैसला है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है महिलाओं की दृष्टि से, बेटियों की दृष्टि से, क्योंकि एक ये हमारे यहाँ जो एक सामाजिक धारणा बनी हुई है, और शादी एक बहुत बड़ी विषय है, और उनकी जो आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन है और आर्थिक आत्मनिर्भरता है, इस दिशा में एक जो उनको समय मिलना चाहिए था वो एक शादी के कारण वो कम मिल पाता था। ये शिक्षा के लिए भी बहुत बेहतर होगा क्योंकि 18 में जिसकी शादी होती थी वो 21 तक जो है बालिका कर दी जाएगी, तो शिक्षा भी बहुत बेहतर तरीके से मिल पाएगी। कैसे पूरा अवसर और पूरा माहौल बेटियों को मिले कि वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन वो कर सकें, इस ओर अनेक निर्णय, कोई वर्जना नहीं बची, कोई क्षेत्र नहीं बचा, आज सीमा पर डट करके बेटियां खड़ी हुई हैं उसकी सुरक्षा के लिए, चाहे मंगल अभियान हो, कोई भी क्षेत्र हो, हम देख रहे हैं कि महिलाएं कैसे अपना योगदान दे सकें, इस ओर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की, वो तत्पर दिखी है, प्रतिबद्ध दिखी है। मैं कह सकते हैं कि 18 साल से 21 साल का जो फैसला है उसको लेकर आप तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़े फैसले के तौर पर बीजेपी इसको देख रही है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।